फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कोकोनट मिल्क पाउडर लड्डू। और ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनता है, और अभी फेस्टिवल है तो आप घर में आसानी से इसको बना सकते हैं। और बहुत क्विक रेसिपी है और खाने में तो एकदम बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको, और बहुत ही टेस्टी और बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाती है। अभी क्योंकि हम बाहर का स्वीट ला नहीं सकते हैं और रक्षाबंधन फेस्टिवल आ रहा है, तो फिर बस आप घर में ही ये मिठाई बना के खा सकते हैं, और अब बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस तरह अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मैं आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले कोकोनट लड्डू बनाने के लिए मैंने ये 1 बाउल कोकोनट लिया, ये 200 ग्राम के आसपास है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको भून लूँगी, और इससे क्या होता है जब हम कोकोनट को भून लेते हैं तो फिर बहुत अच्छा टेस्ट आता है लड्डू में। और ये आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा, आप इसे घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। बस आपको अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं वो रेसिपी आपके लिए साथ शेयर करूँगी। और थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि ये जो ड्राई कोकोनट होता है उससे बिल्कुल भी नहीं बनता है। इसको बनाने के लिए हमें जो ताज़े कोकोनट होता है ना, उसको हमें उससे ग्रेट करके उससे बनाया जाता है। तो आप कमेंट कीजिएगा तो मैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं इसको भून लूँगी, और कंटिन्यू चलाते हुए हमें इसको भूनना है ताकि ये जले नहीं, जलना नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अच्छे से भून गया है। तो अब मैंने गैस बंद कर दिया है और फटाफट इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरी प्लेट में। आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक प्लेट में इसको निकाल लिया है, से बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच के आसपास घी लिया है, और यहाँ पे मैंने 1 बाउल मिल्क लिया है। तो जो बाउल मैंने दिखाया है उससे 2 बाउल है कोकोनट, तो 1 बाउल मिल्क लिया है। उसको घी और मिल्क को हम अच्छे से उबाल आने देंगे। तो आप देख सकते हैं उबाल आ रहा है। ये लड्डू मैं एकदम डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि इस तरह से अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, जिससे कि जो हमारा लड्डू होता है वो एकदम सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 बाउल से थोड़ा कम मैंने यहाँ पर लिया है मिल्क पाउडर। तो ये मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए। अगर डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, तो इसलिए आपको हो तो ज़रूर डालिए। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप मिल्क मेड का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो मिल्क मेड आप 1/2 बाउल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब हमें कंटिन्यू स्टिर करना है, इसको कंटिन्यू स्टिर करना। अब यहाँ पर हम 2 बाउल शुगर, जितना हम कोकोनट लेंगे उतना ही हमें शुगर ऐड करना है। तो अब इसे हमें अच्छे से उबाल आने तक पकाना है। इतना पकाना है कि एक इसमें हल्का सा चिपचिपापन हो, तार नहीं बनाना है, केवल हाथों में ऐसे चिपकना चाहिए। इतने देर तक हमें इसे स्टिर करना है। तो इस तरह से जितना भी जो हमने मिल्क पाउडर डाला है उसे अच्छे से हमें यहाँ पे स्मूथ कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको अच्छे से करके स्मूथ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद देखिए ये एकदम स्मूथ जैसे हो गया है, और एक बार हम इसे चेक करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम करते हैं, ये देखिए हल्का सा चिपचिपापन आ रहा है, मीन्स कि ये रेडी हो चुका है। और इसके बाद हम इसके अंदर एक बार मैं फिर से आपको दिखाती हूँ, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने कोकोनट भून के रखा है वो हमें ऐड करना है इसके अंदर। तो अब कंटिन्यूस करते हुए मैंने कर लिया है, तो अभी ऐड करते हैं कोकोनट। तो यहाँ पे कोकोनट देखिए मैं ऐड कर देती हूँ, तो जल्दी से हिलाते हुए हमें ऐड कर लेना है। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपका कोकोनट थोड़ा कम है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, और इतना भी सही है। तो बराबर यहाँ पे आ गया है, तो इसके बाद हम इसे लगातार भूनते रहेंगे इस तरह से। तो कंटिन्यूस हिलाते हुए इसको पकाना है हमें। तो यहाँ पे अच्छे से पका लिया है मैंने, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 1 स्पून घी और ऐड किया है। इससे क्या होता है कि टेस्ट भी बढ़ जाता है और बहुत अच्छे से इसके अंदर घी भी मिक्स हो जाता है। बहुत घी की आवश्यकता नहीं है, 2 से 3 स्पून ही हमें यहाँ पर ऐड करना होता है। तो देखिए ये हो चुका है, तो हमारा ये बैटर अच्छे से रेडी हो चुका है। तो हम इसको 2 कलर में बनाएंगे,
तो यहाँ पे मैंने हाफ से थोड़ा कम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, बाकी हाफ यहाँ पे मैंने रखा है हाफ से ज़्यादा। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे फूड कलर। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो आप एक कलर का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई और कलर का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं कंटिन्यू हिलाते, बहुत अधिक फूड कलर का यूज़ भी मैंने नहीं किया है और एकदम थोड़ा सा ही मैंने यूज़ किया है। तो देख सकते हैं आप, इसका अच्छा से एक कलर आ गया है। तो ये मिक्सचर भी रेडी हो चुका है, तो इसको एक प्लेट पे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। इधर मैंने जो वाइट पार्ट निकाला था उसमें मैं डाल रही हूँ टूटी फूटी। टूटी फूटी ये घर की बनी है और इसका वीडियो मेरे चैनल पे है और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। अब हम ले लेते हैं, हाथ में थोड़ा घी लगा लेते हैं, उससे क्या होगा कि बैटर हमारे हाथों में चिपकेगा नहीं। तो देख सकते हैं बिल्कुल चिपक नहीं रहा है। और इसका हमें एक ऐसा बना लेना है शेप, और एक हमें गोली बना लेनी है वाइट पार्ट की। तो देख सकते हैं इसको बड़ा कर लिया क्योंकि हम इसके अंदर इसको इस तरह से फिल करेंगे। तो जिस तरह से हम फिल करते हैं उस तरह से फिल कर लेंगे और इसका फिर हम एक रोल कर लेंगे, लड्डू का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लड्डू का शेप दे दिया है और एकदम कितना अच्छा स्मूथ बना है। अभी आपको थोड़ा सा ये ऐसा लग रहा है लेकिन जब ये थोड़ा ड्राई होगा तो एकदम सेट हो जाएगा। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पर काजू लगा दिया। आप कोई किसी चीज़ से भी गार्निश कर सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप जो वाइट पार्ट है उसमें आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास हो। अगर आप चाहें तो इसके अंदर ग्राइंड करके काजू भी डाल सकते हैं, आप किशमिश डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो खसखस डाल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो देखिए ये भी दूसरा भी मैंने बना लिया है, वो भी रेडी कर लिया है। तो इस तरह से मैंने कर यहाँ पर देखिए वाइट पार्ट का मैंने छोटी छोटी गोलियाँ बना के रख ली है ताकि आसानी हो। एक और मैं बना के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसको भी मैंने इसी तरह से सारे करके ले लिए हैं। तो इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे और काजू लगा के गार्निश कर लेंगे ताकि इससे बहुत सुंदर लगेगा लड्डू, और खाने में और देखने में दोनों ही में ही बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए ये भी हो चुका है, इस तरह से हमारा जो लड्डू है परफेक्ट रेडी हो गया है। चलिए तो मैं शुरू करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं एक कट करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे टूटी फूटी है इसलिए मैं चाकू का यूज़ कर रही हूँ। और तो देखिए यहाँ पे मैंने कट कर लिया है और कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत अच्छा एकदम परफेक्ट लड्डू। देखिए एकदम ड्राई हो गया है ना, उस समय लग रहा था कि थोड़ा गीला सा, लेकिन अभी देखिए एकदम लड्डू परफेक्ट हो गया है। तो कलर भी बहुत सुंदर आया है और बहुत टेस्टी बना है। तो फ्रेंड्स इस रक्षाबंधन आप ये लड्डू जरूर बनाइए और लिस्ट उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप देख आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली रेसिपी बना नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स लाइक करना बिल्कुल नहीं भूला करिए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू।